अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और बहुत ही डेलीशियस चिकन तंदूरी की रेसिपी। ये रेसिपी हम बिना ओवन के बनाना सीखेंगे और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनके तैयार होएगी। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे चिकन की लेग पीस और हमें कुछ ऐसे कट्स लगाना है। इसे हम आगे पीछे से एकदम डीप कट्स लगा लेंगे। यहाँ पे मैं ली हूँ 4 चिकन, चारों चिकन को मैंने अच्छे से कट लगा चुकी हूँ। यहाँ पे चिकन मैरिनेशन के लिए हम लेंगे दही। दही का मैंने सारा पानी निकाल चुकी थी, हम दही को ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून, गरम मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, चिकन टिक्का मसाला लेंगे 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर डालेंगे हम 1 टेबल स्पून, यहाँ डालेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टेबल स्पून और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और फूड कलर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून जितना ऑयल। और यहाँ पे हम डालेंगे लेमन जूस, यहाँ पे मैंने 1 लेमन ली थी उसका हम जूस ऐड कर लेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम मसालों को मिक्स करके चिकन पे कोट कर लेंगे और जो हमने डीप कट्स लगाए थे उसमें भी हम अच्छे से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन को हमने मसाले अच्छे से कोट कर लिए हैं और अब हम इसे 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे और 4 घंटे बाद फिर हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पे 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम रखेंगे एक पॉट, उसमें हम ऑयल को ऐड कर लेंगे ताकि जो चिकन है हमारी बॉटम पे स्टिक ना हो, और चिकन को हम रख देंगे और इसका लीड लगा के हम लो फ्लेम पर 20 मिनट्स के लिए इसे कुक होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट्स हो चुका है, हम खोल के चेक कर लेंगे और चिकन की साइड्स हम चेंज कर लेंगे ताकि चिकन दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक हो जाए। अगेन इसका लीड लगा के हम इसे 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक होने रखेंगे। तो यहाँ पे जो 20 मिनट्स हो चुका है, हमारी चिकन अच्छे से कुक हो चुकी है। इसका पानी हम हाई फ्लेम पर सुखा देंगे और चिकन को हम निकाल लेंगे। और जो हमारा लास्ट फाइनल स्टेप है वो ये है कि इसे हमें ग्रिल करना है। तो हम एक ग्रिलर रख के चिकन को हम रखेंगे गैस के ऊपर और दोनों तरफ से हम चिकन को अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारी चिकन है वो दोनों साइड से अच्छे से ग्रिल हो चुकी है, इसे हम निकाल के प्लेट में सर्व कर लेंगे। और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिए।